हेलो एंड वेलकम बैक आज हम एक और फाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो वन ऑफ द बेस्ट ए फीचर है कई सारे ए ट्रेनिंग में इसको इग्नोर किया जाता है पर मुझे लगता है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये फीचर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम आपको एफ एस एक्स के बारे में पूरी डिटेल फ्रॉम ए टू जी देंगे यहां पे मेरे पास एक माइंड मैप है और इस माइंड मैप से हम सबसे पहले समझते हैं एफ एस एक्स है एक क्या राइट यहां पे सीरीज ऑफ वीडियोस होगी कई सारे वीडियोस हमें बनाने पड़ेंगे पर एक्सपर्ट वही है जिसको पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में इनडेप्थ नॉलेज है तो लेट स्टार्ट एफ एस एक्स एफ एस एक्स एक फाइल सिस्टम है फाइल सिस्टम का मतलब क्या है ये आप अपने ई सी टू इंस्टेंसिस और ई सी एस क्लस्टर से एक्सेस कर सकते हैं और काइंड ऑफ शेयर्ड स्टोरेज है आपको लगा होगा कि अगर आप शेयर स्टोरेज की बात करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी ई एफ एस है हमने ऑलरेडी ई एफ एस कंप्लीट भी कर लिया बट ई एफ एस सिर्फ एक लिनक्स बेस्ड स्टोरेज सिस्टम है एंटरप्राइज एनवायरमेंट में कई सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें थर्ड पार्टी ऑप्शंस भी होते हैं फॉर द फाइल सिस्टम और स्पेसिफिकली फॉर शेयर्ड फाइल सिस्टम तो अगर आपको स्पेसिफिकली लिनक्स बेस्ड स्टोरेज चाहिए ई एफ एस है पर आपको कई सारे ऑप्शंस चाहिए इन द फायर स्टोरेज दैन एफ एस एक्स वुड बी द गेम चेंजर ओवर हियर सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग माइंड मैप सिर्फ तीन पॉइंट है तीन पॉइंट खत्म करते ही हम आज का वीडियो भी समाप्त कर देंगे सो द फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन एफ एस एक्स है क्या फर्स्ट एफ एस एक्स इज फाइव स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइडेड बाई ईड एस इट इज फुल्ली मैनेज फुल्ली मैनेज का मतलब क्या है ना आपको सर्वर बनाना है ना उसको मैनेज करना है राइट right? आप रेडी टू यूज फाइल सिस्टम को एक्सेस करोगे डेटा स्टोर करोगे देन इंडस्टेड आपको यहाँ पे कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मैनेज नहीं करना है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा है ये है कि आप थर्ड पार्टी फाइल सिस्टम भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं देखिए एंटरप्राइज में ऑन प्रीमाइसिस में कई कंपनी के पास विंडोज है दे वॉन्ट विंडोज फायल सिस्टम दे वॉन्ट नेप ऑन टैप सोल्यूशन है ना सो शायद आपके पास अगर ये कोई सोल्यूशन है तो आप इसी सोल्यूशन को ईजीली मूव कर सकते हो ए डब्ल्यू एस एफ एस एक्स में क्यों क्योंकि एफ एस एक्स यहाँ पे थर्ड पार्टी फायल सिस्टम भी सपोर्ट करता है कौन कौन सी उसके बारे में हम अभी इसी वीडियो में बात करने वाले हैं you can access FSX file system from EC2 instances. It is a shared storage. So multiple EC2 instances can access this simultaneously from Amazon Elastic Container Service. We are going to talk about ECS. और मैं आपको वादा करता हूँ आप ECS में मास्टर बन जाओगे पर ये सीढ़ी है इसके साथ आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ आपको वीडियो देखने पड़ेंगे तो आपको ई भी पूरा समझ में आ जाएगा जब भी हम बात करेंगे तब की बात है पर अभी याद ये रखना है कि एथेसएक सपोर्ट ईसीएस ई के एस इलास्टिक क्यूबनेटिस सर्विस राइट ईसीएस कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम है पर एडब्ल्यू एस का ईके एस क्यूबनेटिस सर्विस है अगेन कंटेनर मैनेजमेंट सर्विस है पर क्यूबनेटिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम ई डब्ल्यू एस में एज अ मैनेज सर्विस यूज़ कर सकते हैं और अगर आप ई के एस यूज करते हो तो भी आप अपने एफ एस एक्स फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द ई के एस एंड ऑफकोर्स इफ़ यू हैव वन प्रीमाइज इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यू वॉन्ट टू यूज़ दिस यू कैन ऑल्सो यूज़ एफ एस एक्स ओवर हीयर एज अ शेयर स्टोरेज सिस्टम और एज अ शेयर फाइल सिस्टम नाउ This service is designed to support various workloads, such as see, this is like one of the best features we have. You know, one of the best storage solutions we have is NetApp ONTAP. Now, NetApp is a one company, specifically storage company from Cisco, and they developed this kind of shared storage system from years ago. ONTAP is used to overcome नी लिमिटेशन दैट वी हैव विथ ई एफ एस और एन मुझे लगता है ऑन टैप के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी तो उसके लिए हम एक वीडियो और भी बनाएंगे इसी एफ एक्स एफ एस एक्स सीरीज में बट अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से चार ऑप्शस हमें मिलते हैं जब हम एफ एस एक्स बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑन टेप एफ एस एक्स ओपन जेड एफ एस एफ एस एक्स फॉर विंडोज़ फाइव सर्वर एंड एफ एस एक्स फॉर लेस्चर कौन सा ऑप्शन कम यूज़ करना है विच वन विल बी शूटेबल फॉर यू किसके क्या प्लस पॉइंट्स है सभी के बारे में हम बात करेंगे अगर मैं यहाँ पे एमेज़ॉन ए डब्ल्यू एस कॉन्सोल में जाके एफ एस एक्स सर्च करता हूँ राइट तो जैसे ही मैं एफ एस एक्स में जाऊंगा सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा क्रिएट फाइल सिस्टम और जैसे मैं क्रिएट फाइल सिस्टम करूंगा ये चारों ऑप्शन आएंगे एफ एस एक्स सीखने का मतलब है इस चारों ऑप्शन को सीखना और ये समझना कि कब कौन सा ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं तो डोंट वरी अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि एफ एस एक्स ये चार सपोर्ट करता है कब कौन सा उसके बारे में भी, भी बात करेंगे अब इंट्रोडक्शन इज ओवर लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू इज बेनिफिट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज़ दिस सर्विस और मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि ये बहुत पॉप्युलर है राइट क्यू बिकॉज इसके साथ हमें यह बेनिफिट्स मिलते हैं सबसे पहला बेनिफिट फुल्ली मैनेज ना आपको हार्डवेयर लेना है ना आपको कोई सॉफ्टवेयर कन्फिग्रेशन करना है ना आपको इंक्रिप्शन की टेंशन है ना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की, की टेंशन है ना आपको कोई भी अपडेट करने की टेंशन है एफ एस एक्स इज फुल्ली मैनेज सर्विस यानि रेडी टू यूज खाना टेबल पे है आपको सिर्फ खाना है देन इट इज स्केलेबल मिनिमम वन टी बी से लेके पीटा वाइट तक डेटा आप स्टोर कर सकते हो सोचो so, अगर आपके पास और प्रिवाइसिस हैं तो वहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है कि भाई मेरे पास स्टोरेज है वो वन टेन टीमी स्टोरेज सपोर्ट करता है अगर टेन टीमी खत्म हो गया तो तो स्टोरेज स्केल करना बहुत मुश्किल है जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो मिनिमम वन टीवी से लेके पेटाबाइट तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस यू आर गोइंग टू गेट बेस्ट परफॉर्मेंस और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो जैसे हमारे पास एक ऑप्शन है लेस्र इट विल प्रोवाइड यू हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज इट इज़ यूज फॉर द पैरल डेटा स्टोरेज और डेटा एक्सेस तो यहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है जब आप एफ एस एक्स यूज़ करते हो इट इज़ सिक्योर वेन यू आर गोइंग टू यूज़ एफ एस एक्स वी हैव द सेम फैसिलिटी लाइक वी कैन इंक्रिप्ट डेटा एड्रेस्ट हमने जब ई एफ एस किया था तो वहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन था कि हम अपने ई एफ एस को इंक्रिप्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी वन टिक वन क्लिक से आप अपनी फाइल सिस्टम को इंक्रिप्ट कर सकते हो तो सिक्योरिटी मिलेगी एंड इट इज़ कोर्स इफेक्टिव वाई इट इज कोर्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज फुल्ली मैनेज सर्विस कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की जरूरत नहीं है नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओवर हिर एंड यू हैव फुल्ली मैनेज सर्विस एंड अगेन इट इज पे इज यू गो प्राइजिंग अगर आपको नहीं चाहिए आप अपना एफ एस एक्सपायर सिस्टम डिलीट कर दो डन इन दस डे सो दिस इज लाइक फाइव एडवांटेजेस वी हैव एंड द लास्ट वर्ड इज अबाउट यूज केस कब हम यूज करेंगे पहली बात लिफ्ट एंड स्विफ्ट ऑफ विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन देखिए मैं सभी को बोल रहा हूँ और मैं सबको बोल रहा हूँ कि भाई क्लाउड सीख लो अभी क्लाउड सीखना बेस्ट टाइम है क्योंकि एक दिन विद इन नेक्स्ट फाइव ईयर नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट बिजनेसिस विल बी ऑन द क्लाउड जितने भी बिजनेसेस अभी ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो भी नेक्स्ट फाइव में माइग्रेट करेंगे क्लाउड में और यहाँ पे क्लाउड में ऐसी सर्विसेज है जैसे अगर आप बोलोगे कि मेरे पास तो विंडोज फाइल सिस्टम है विंडोज सर्वर में एज स्टोरेज यूज करता हो तो नो नीड टू वरी आप यहाँ पे एफ में जाके ये ऑप्शन सिलेक्ट करो यहाँ पे आपको मिलता है एमेजॉन एफ एस एक्स फॉर विंडोज फाइल सर्वर और आपको सेम एज़ ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर भी सर्वर मिल जाएगा और आप उसको आराम से शिफ्ट कर सकते हो क्लाउड में देन वी हैव फाइल एंड सेलेब्रेशन एज आई टोल यू एफ एस एक्स फुल्ली शेयर स्टोरेज है अगर आपके पास मल्टीपल ई सी है या ई के एस है या ऑन प्रिमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीपल वर्चुअल मशीनस हैं सबका डेटा आप सेंट्रलाइज एफ में स्टोर कर सकते हो और वहाँ से आप मल्टीपल कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो सो सेल स्टोरेज हैविंग इट्स ओन एडवांटेज एंड एफ एस एक्स इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू सेल स्टोरेज देन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट वर्क हमारे पास एक सर्विस है एच तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई परफॉर्मेंस पैरल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है यह भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे हाँ हम यूज़ करेंगे एफ एस एक्स लेस्चर इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम उसको ये नहीं बोल सकते यू you नो know, मैंने तो सिर्फ एस ए ए सी जीरो थ्री का प्रिपरेशन किया था और उसमें एफ एस एक्स के बारे में सिर्फ इतना था हम वो नहीं बोल सकते हमें ये नॉलेज होना चाहिए और इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते हैं कि आपको ये फुल्ली नॉलेज मिल सके एंड द लास्ट वन इज बैकअप एंड डिजास्टर सी मैनी कंपनी दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डिजास्टर रिकवरी दे हैव द डेटा ऑन प्रीमाइसिस एंड उन लोगों को सिर्फ स्टोरेज चाहिए क्लाउड में फॉर बैकअप और फॉर डिजास्टर रिकवरी तो एफ एस एक्स बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यहां पर आप सर्वर को मैनेज नहीं कर रहे हो फुल्ली मैनेज सर्विस है तो आप इसका यूज बैकअप और डिज़ास्टर रिकवरी करने के लिए भी बैकअप और डिजास्टर रिकवरी करने के लिए जो डेटा है उसको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर लाइक एडवांटेजेस अब यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं खत्म करते हैं पर एफ में हमारे पास ये सभी ऑप्शन है इसके बारे में भी हमें डिटेल में बात करनी है हम प्रैक्टिकल भी करेंगे हम सीखेंगे कि के कैसे एफ एस एक्स को आप यूज़ करते हो रियल वर्ड सिनेरियो में आपको क्या करना है आपको सभी वीडियोस फुल्ली देखना है एक काम करना है वीडियो डाउनलोड ना करें प्लीज़ यूट्यूब में देख लीजिए बने पॉसिबल हो तो शेयर कीजिए और एक एक वीडियो को देखिए क्यों क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ अभी जो आप सीख रहे हो वो आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए गेम चेंजर होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू वेरी मच सी इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एफ एस एक्स नेट ऑन ऑन टैप इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू हैव अ नाइस डे गुड बाय